प्रश्नावली 1.2 का अब हम यहाँ पर प्रश्न छठवां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो भागों में से सॉल्व करेंगे। एक भाग ये है 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा भाग ये है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये बताना है हमें ये संख्या और ये संख्या, ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इनका गुणा करेंगे, जो भी है इनको सॉल्व करेंगे बीजगणितीय रूप में, और इसको हम इस तरफ सॉल्व करेंगे बीजगणितीय रूप में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ, इस तरफ लिख लेते हैं ये 7 × 11 × 13 = 13, और इस तरफ लिख लेते हैं ये वाली संख्या। तो यहाँ पर ये संख्याएं भाज्य संख्या क्यों हैं। भाज्य संख्याओं की मैं परिभाषा आपको बता दूँ, जिनके गुणनखंड किए जा सकें, जिनके टुकड़े किए जा सकें, वो भाज्य संख्याएँ हैं। मतलब उनको बाँटा जा सके, भाग दिया जा सके। अभाज्य संख्याएँ वे हैं जिसमें उसी संख्या का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए और किसी संख्या से भाग ना जाए, तो वो संख्या है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये दो भागों में, एक भाग इतना है यहाँ तक प्लस का चिन्ह लगा करके, दूसरा भाग ये है। तो यहाँ पर दोनों जगह से हम 13 ले लेंगे कॉमन, इस तरफ 13 गुणा में है, इस तरफ धन में है। तो यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11, और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से ये 13 पूरा चला गया, यहाँ बचा एक। अब यहाँ पर एक लिखते तो एक का मतलब कोई गुणा में है नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। 11 × 7 = 70 और धन एक, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 13 × 7 = 178। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 13 × 8 = 104, 5 × 7 = 10, 13 × 7 = 91 = 101। तो यहाँ पर 10 × 14 आ जाएगा जब हम 13 का गुणा 78 में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम गौर से, तो जो ये संख्या है, इस संख्या में 13 का भी भाग चला जाएगा, 78 का भी भाग चला जाएगा, एक का भी भाग चला जाएगा, इसी संख्या का भी भाग चला जाएगा। इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनमें उसी संख्या का भाग जाए या एक का भाग जाए। तो यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिख देते हैं, चूँकि 10 × 14 संख्याएँ 13, 13, 78, 2 आदि से विभाज्य हैं, इसीलिए ये 7 × 11 × 13 = 13 भाज्य संख्या है। तो ये हमारा एक आंसर, इस तरफ हम सॉल्व करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप ये आंसर। अब हम इस तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी दो भागों में है ये संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग है, बीच में ये प्लस का चिन्ह है, फिर ये दूसरा भाग यहाँ पर है, तो दोनों जगह यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिया है, 4 × 3 × 2, 1 का कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, तो नहीं लिखते हैं, प्लस यहाँ से 5 पूरा कॉमन ले लिया, 1 बचा। अब यहाँ पर 5 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 × 42 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, और प्लस का 1 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 ये ज्यों का त्यों। अब हम ब्रैकेट के अंदर 24 का गुणा 42 में करेंगे, तो 24 × 2 = 48, 48 × 8, हासिल किया 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 × 6 = 96 और 4 = 100, तो 1008 आ जाएगा इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, और धन 1 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 5 × 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। अब हम यहाँ पर 1009 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 × 9 = 45 और 0 और 5 = 5, तो यहाँ पर 5045 आ गया। तो 5045 ये 5 से भी भाज्य है, 1009 से भी भाज्य है, तो यहाँ पर ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए। इसमें देखिए 5 का भी भाग जा रहा है, 1009 का भी भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार की भाषा जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसी प्रकार की भाषा लिख देना है, चूँकि 5045 संख्याएँ 5, 1009 आदि से विभाज्य हैं, इसीलिए ये संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और धन 5
भाज्य संख्या है। तो ये है हमारा इस दूसरे का आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।